नमस्कार, किचन के टॉप के ऊपर क्या लगाना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है और बहुत लोग पूछते हैं। अगर आप भी अपने घर में किचन का काम करा रहे हैं, किचन का रेनोवेशन करा रहे हैं या नया किचन बना रहे हैं और आपको उसके ऊपर क्या लगाना है, इसके ऊपर कंफ्यूजन है, तो मैं आपको आज सोल्व करके दूंगा। ग्रेनाइट अमूमन लगाते हैं और क्वार्ट्ज लगाते हैं और G5 नैनो लगाते हैं। तीन आइटम ग्रेनाइट इस किचन के टॉप पर लगता है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और नैनो। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, अगर ये आप प्रश्न करेंगे तो ये एक तरह से बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता आपको। मेरा सजेशन ऐसा है कि आप तीनों लगा सकते हैं। तीनों के अंदर तीनों की क्या विशेषता है ये मैं आपको बताता हूं, फिर जो आपको पसंद आए, जो आपका बजट हो वो आप लगा सकते हैं। किचन के ऊपर अगर लगाना है, अगर रेट आपका बजट कम है, तो सबसे अच्छा चीज है ग्रेनाइट, जिसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे ग्रेनाइट्स के सैंपल्स हैं, साउथ के हैं, राजस्थान के हैं और इस तरह से बहुत सारे कलर यहां पर आपको अवेलेबल होंगे ग्रेनाइट में। रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, अलग 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 तरीके के ग्रेनाइट्स होते हैं और वो ग्रेनाइट 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 250-300 तक रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ये यहां पर आप देखेंगे तो ये है क्वार्ट्ज ग्रेनाइट, नेचुरल है, अलग अलग उसमें जो भी कलर्स और फिगर है वो जमीन से निकलते हैं और नेचुरल, लेकिन ये जो क्वार्ट्स है इसके अंदर ये कांच के जैसे चमकी जैसे दाने हैं और ये मटेरियल जो है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया हुआ है। जिस तरह से कंपोजिट मार्बल बनाया जाता है उसी तरह से ये क्वार्ट्स बनाया है जो ग्रेनाइट के साथ, ग्रेनाइट जैसा, इसलिए लोग इसको भी लगाते हैं। ग्रेनाइट के अंदर बहुत सारे जो कलर अपने को चाहिए वो नहीं मिलते हैं तो क्वार्ट्स में वो मिल जाते हैं और क्वार्ट्स का रेट भी ग्रेनाइट की जो हाई वैल्यू आइटम है उसके जैसा रेट होता है। 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग रेट क्वार्ट्स का भी है, 300-400 रुपीज कटिंग करके रिटेल मार्केट में मिलता है। अब आप अगर ये पूछेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो दोनों सरीखे हैं, ये भी कोई भी चीज सोखता नहीं है और इसके अंदर भी आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलता है और ये भी मजबूत और स्ट्रोंग उतना ही है जितना ग्रेनाइट है। आप यहां पर भी देख सकते हैं ये क्वार्ट्ज में कलर है, आप देखिए ब्लू कलर अवेलेबल है, ब्लैक कलर अवेलेबल है, रेड कलर अवेलेबल है, ये सारे नेचुरल चीजों में नहीं आते, नेचुरल पत्थर में नहीं आते, इसलिए क्वार्ट्ज को भी आजकल लोग लगाते हैं। जितने मॉड्यूलर किचन जो रेडीमेड किचन मिलते हैं उसके अंदर यही आजकल यूज हो रहा है। और नैनो G5 जिसको बोलते हैं वो ये वाला आप देख सकते हैं G5, ये जो G5 है ये भी आर्टिफिशियल है, ये तो इंडिया में बन ही नहीं रहा है, ये तो इंपोर्ट ही हो रहा है और वहां से आ रहा है। और ये जो आइटम है इसका यहां हमने टॉप बनाया, आप देख सकते हैं ये टेबल का टॉप बना हुआ है और ये भी ग्रेनाइट से भी हार्ड मटेरियल है, ये भी सोखता नहीं है कुछ भी चीज को और स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर मोल्डिंग भी आ जाती है, तो इसका भी रेट 400 की रेंज में है। तो अगर आपको ग्रेनाइट टॉप लगाना है तो किचन टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और नैनो तीनों लगा सकते हैं। अब तीनों में आप अगर व्हाइट में जाना है तो इसके नैनो G5 का कोई मुकाबला नहीं है, कलर में जाना है तो क्वार्ट्ज का कोई मुकाबला नहीं है और नेचुरल में जाना है और मजबूती में जाना है तो ग्रेनाइट का कोई मुकाबला नहीं है। तीनों में से आप चूज करिए अपने बजट के हिसाब से और अपने पसंद के हिसाब से। आपको और भी कोई कंफ्यूजन है उनको मैं आने वाले वीडियो में लगातार आपका कंफ्यूजन दूर करता रहूंगा, मदद करता रहूंगा। देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।